अच्छा, अब हम देख रहे थे कि हमने इसको एज सेंटेंस में किस तरह यूज करना है। हमने देखा ग्रामेटिकली ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके साथ यूज करते हैं हम? नाउन के साथ यूज करते हैं। अब बॉय है, ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है, और बॉय कैसा है, अब नॉर्मल सा, ऑड सा है, ठीक है। एन एसेंट्रिक बॉय वेयर सन ग्लासेस इन नाइट, ठीक है, मतलब एक अजीब लड़का जो है वो हमेशा क्या करेगा, जो मतलब नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल बंदा है, वो क्या करेगा, वो लड़का क्या करेगा, सनग्लासेस रात में पहनेगा। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताती हूँ। हमारी हुई एक दफा पार्टी थी, हमारी फेयरवेल पार्टी थी, तो हमारी मेरा एक फेलो था, वो रात में ग्लासेस पहन के आया था और पूरी क्लास उस पे हंसी थी। तो वो क्या लग रहा था, वो क्या आउट ऑफ ऑर्डर लग रहा था? बाकियों को स्क्रीन क्लियर है या सिर्फ बात का इशू है? अच्छा, अब क्या था कि वो बंदा क्या था, अब नॉर्मल लग रहा था ना, क्योंकि वो रात में ग्लासेस कौन पहनता है भाई, रात में तो कोई नहीं पहनता, तो वो एसेंट्रिक लग रहा था, मींस आउट ऑफ सेंटर, ठीक है। अब आपको ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब आप जहां भी नॉर्मल एबनॉर्मल का वर्ड यूज करने के बजाय आप वहां भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं ई ग्रेस पे। मैंने आपको कहा कि ई का क्या मीनिंग होता है, ई मीन्स आउट एंड ग्रेस मीन्स कि मतलब आप, ग्रेस का मतलब होता है कि आप किसी चीज से स्टेप आउट कर ले, मतलब आप किसी चीज से मूव कर ले, हैविंग स्टेप या हैविंग मूव। अच्छा, हैविंग स्टेप और मूव आउट और फ्रॉम अ प्लेस, मतलब किसी जगह से आप जब निकलते हैं उस जगह, उस चीज को क्या कहते हैं कि ईग्रेस, मतलब उस चीज को आप कहेंगे कि ईग्रेस, द एक्शन ऑफ गोइंग आउट और लीविंग अ प्लेस, यानी डिपार्चर करना। आगे सेंटेंस बनाती हूँ तो आपको क्लियर होगा। ग्रामेटिक ही क्या है, नाउन है, वर्ब की तरह भी ये यूज होता है, बट मोस्टली इसको हम एज अ नाउन लेते हैं। अच्छा, अब मैं देखती हूँ सेंटेंस। ही रिकॉर्डेड द टाइम्स ऑफ इनग्रेस, मतलब अंदर जाने का टाइम भी, टाइम्स रिकॉर्ड किया कि ये कितने दफा अंदर गया, एंड ईग्रेस और बाहर कितने दफा आया, बट हिज ऑब्जर्वेशंस वर प्रैक्टिकली यूजलेस, ठीक है। मतलब मैंने, उस बंदे ने क्या किया, नोटिस किया कि कितनी बार अंदर आया, कितनी बार बाहर गया, बट जो ऑब्जर्वेशन थी वो यूजलेस थी। तो देखिए, एज अ नाउन यूज हो रहा है, एज अ वर्ड यूज नहीं हो रहा। इनग्रेस और एग्रेस, मतलब ये दोनों ऑपोजिट है, एक का मतलब होता है कि बाहर आना, एक का मतलब होता है अंदर आना, ठीक है। तो ये एज एन अंदर आने का प्रोसेस, बाहर आने का प्रोसेस। उसके बाद आप देखिए, हमने देखा थर्ड वर्ड एक्सट्रिकेट, राइट, एक्सट्रिकेट, एक्स मीन्स आउट, ट्रिकेट। हम अक्सर कहते हैं कि यार मैं बड़ी चीजों में इंटेगल हो गया हूँ, ठीक है, मैं बड़ा फंसा हुआ बड़े बुरे तरीके से, और जब आप बड़ी मजे से निकल जाते हैं उस चीज से, तो आप कहते हैं कि मैं एक्सट्रिकेट हो गया हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक्सट्रिकेट हो गया हूँ, मैं निकल आया हूँ उस मुश्किल से। तो इसका मतलब भी यही है, जब आप एक्स देखेंगे तो आपको पहले ही मीनिंग होने लग जाएगा कि एक्स का मीन्स होगा आउट। अब आपने पढ़े हुए होंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि एक्सट्रिकेट क्या होगा, और जब आप इसको यूज करने लगेंगे अपने सेंटेंसेस में तो आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि आप खुद यूज कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स में, लाए इन चीजों को, इन वर्ड्स को। मूव आउट ऑफ डिफिकल्टी, यानी आप किसी मुश्किल में फंसे हुए थे और फिर आप उससे निकल आए, तो उसको आप कहेंगे कि मैं एक्सट्रिकेट हो गया हूँ। अब देखिए, फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट और डिफिकल्टी, मुश्किल से निकलने को, उससे फ्री होने को आप कहेंगे कि मैं अब एक्सट्रिकेट हो गया। अब देखिए, एज अ वर्ब यूज होता है ग्रामेटिकली, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सट्रिकेट माई सेल्फ फ्रॉम सिचुएशन, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को किस चीज से निकालू, मुश्किल से निकालू, ठीक है। अब इसका सैनोनिम देखें कि आप किसी चीज में इंटेगल हो गए थे, पुलिस एक्सट्रिकेटेड द पीपल ट्रैप्ड इन, यस यू कैन से। अच्छा, दिस इंटेगल मतलब आप किसी चीज में इंटेगल थे और आप फिर उससे बाहर निकलते हैं, तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे कि आप दिस इंटेगल हो गए, मतलब आप उस चीज से बाहर निकल रहे, अनटेंगल, ठीक है जी। ये आपका वर्ड आ गया। अब एक्सट्रिकेट का मतलब है कि आप किसी से बाहर निकल आते, किसी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। थर्ड वर्ड इज एक्सटेंड। देखिए, एक्सटेंड से तो हर बच्चा वाकिफ होगा। एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या होती है, हम अक्सर पेपर्स की डेट एक्सटेंड हो गई, ये हो गया, ये एक्सटेंड हो गया, ऐसे करते हैं ना, मतलब आप किसी चीज का टाइम एक्सपेंड कर दें, किसी चीज को आउट कर दें, नॉर्मल से ना बढ़ा दें, पहले कुछ था उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें, यानी एक्सपेंड कर दें, किसी को चीज को इनलार्ज कर दें, किसी चीज को इंक्रीज कर दें, सही है, यानी एड इन ऑर्डर टू मेक बिगर, कोई चीज ऐड करके उस चीज को बड़ा कर दें,
इस तरह से। अब एक्सटेंड क्या होता है कि वर्ब होता है, आप किसी चीज को एक्सटेंड करते हैं, यानी आप कोई काम करते हैं, इट मींस इट इज अ वर्ब, राइट। अब देखिए आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का इशू चल रहा है कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने बीए के जो एग्जाम है, एडी के जो एग्जाम्स है, बीएससी के जो एग्जाम्स है, वो 1 अप्रैल से रखती है। तो बच्चे चाहते हैं कि जो डेट है हो जाए, वो चाहते हैं कि डेट जब एक्सटेंड हो जाए, तो अब क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो एडमिशन लें, ठीक है जी। अब कुछ बच्चे चाहते हैं एडमिशन ले, बट एडमिशन की डेट खत्म हो जाती है, तो आप उस सेंस में लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने क्या किया, डेट एक्सटेंड कर दी कि आप मजीद बच्चे भी एडमिशन अब ले सकते हैं। तो मतलब एक्सटेंड हुई ना डेडलाइन, लास्ट डेट जो थी उसको बढ़ा के उन्होंने मजीद आगे कर दिया। तो ये कॉमनली यूज वर्ड है और आपको अच्छा लगता है अगर आप अपनी राइटिंग में एक्सटेंड को यूज करें, ठीक है जी। अब आप इमिट देखें, इमिट भी इसी मीनिंग में आता है, सेंड आउट, ये आपका कॉमनली यूज वर्ड है कि एक्सटेंड, इजेक्ट करना किसी चीज को, थ्रो आउट करना किसी चीज को, फेंक देना बाहर, इजेक्ट कर देते हैं आप। ई मीन्स बाय फेंक, थ्रो मीन इजेक्ट मीन थ्रो करना, ई मीन्स आउट, ठीक है। एक्सक्लूड, इंक्लूड क्या होता है, किसी चीज को शामिल करना, इंक्लूड करना, बट अगर किसी चीज को आप निकाल देते हो, किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना, इट मीन्स कि आप किसी चीज को शट आउट कर रहे हैं, राइट। ये सारे वर्ब हैं, आप किसी को एक्सक्लूड करते हैं, आप किसी को इजेक्ट करते हैं, यू एमिट समथिंग, इट मींस यू आर परफॉर्मिंग अ टास्क एंड यू विल नेम इट एज अ वर्ब, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं इमिग्रेट। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, यहाँ पर एक आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। आप देखें कि ई का मतलब क्या हुआ, आउट, माइग्रेट का क्या मतलब होता है कि आप जब कहीं पे मूव करके जाते हैं, राइट। तो ई माइग्रेट, इमिग्रेट, ठीक है, यानी मूव आउट करना। अब आप यहाँ पढ़ें, व्हेन यू मूव आउट फ्रॉम योर ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अनदर कंट्री, राइट, मतलब आप अपनी कंट्री से मूव ऑन करके किसी और कंट्री में जाते हैं तो आप इमिग्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखें, आप इसको देखें कि आप पाकिस्तान में हैं एंड यू वांट टू मूव टुवर्ड यूके, ठीक है। कुछ लोगों का शौक होता है भाई यूके की हवा खाएं, फिर बड़ा पता लगता है। अच्छा, यूके जाते हैं, अब पाकिस्तान से आप जब मूव करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इमिग्रेट, ठीक है। बट जहां पहुंचेंगे वहां पर आपको क्या, इमिग्रेट, आई वाला यूज होगा, जैसे कहते हैं ना इमिग्रेंट्स, तो तब क्या कहा जाएगा, इमिग्रेट। जब आप उस सिटी में जाएंगे, कमिंग टू, कमिंग को कहते हैं इमिग्रेट, और जब आप वहां से निकलते हैं, आउट होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ई वाला इमिग्रेट, राइट। ये दो वर्ड्स हैं, इनको आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों वर्ड्स में नहीं करना। अच्छा जी, अब आप देखें इरेडिकेट, ये भी बहुत यूज होता है इरेडिकेट, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इरेडिकेट, डाइसेक्ट करें, ई मीन्स आउट, रेडिकेट, रेडिकेट चाहे गूगल भी करेंगे ना, तो रेडिकेट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है ना वो डीपली रूट हो, मतलब उसकी जड़ें तक अंदर तक धसी हुई हो, ऐसे होता है रेडिकेट का मतलब ये होता है, रूटेड डीप। अच्छा, अब इरेडिकेट क्या होगा कि आप किसी भी बहुत अंदर तक धसी हुई चीज को बाहर जब निकालते हैं ना, तो मतलब आप उस चीज को इरेडिकेट कर रहे हैं, उस रेडिकेट हुई चीज को ई कर रहे हैं, मींस यू आर पुटिंग आउट, पुलिंग आउट समथिंग, राइट। यू आर पुलिंग आउट, पुलिंग आउट फ्रॉम रूट्स, किसी भी चीज को आप जब रूट से बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहेंगे कि आप उसको इरेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आप रिमूव की जगह आप उसको इरेडिकेट भी कह सकते हैं। अब देखिए, किसी चीज को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो आप इरेडिकेट का वर्ड, इलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप इरेडिकेट भी लिख सकते हैं, वीट आउट का सिनोनिम ये भी हो सकता है इसका, ठीक है जी। अब आप देखिए कि इरेडिकेट एट, हमने आगे देखना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो एट सफिक्स है ना, इसके हमारा वर्ब में भी यूज होता है कि आप आइडेंटिफाई करें अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एज अ सफिक्स एट यूज हो रहा है तो इट मींस कि वो वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है जी। अब इरेडिकेट के लास्ट में एट ही है तो यानी कि ये भी वर्ब है। अब वर्ब का इसका सेंटेंस देखते हैं, वी शुड इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम आवर कंट्री, मतलब बहुत लोगों को होता है कि यार करप्शन को ना जड़ से खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप किस इंग्लिश में कहेंगे, वी शुड इरेडिकेट, मतलब हमें जड़ से खत्म कर देना चाहिए करप्शन को अपनी कंट्री में से, तो आप इस तरह सेंस में मीनिंग में यूज करें। इरेडिकेट मतलब जड़ से खत्म करना, यानी आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वर्ड है। अब आप देखें कि एक वर्ड आता है आपके सामने कि अपेंडिक्टम,
ठीक है, अपेंडेक्टोमी। अब आप कहते हैं कि यार मैम ने तो कोई रूट वर्ड ही नहीं बताया था हमें कि जिसमें ये इस तरह का, तो मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही है क्या क्या लफ्ज है भाई। और मैं आपसे कहूं कि ये हमारा रूट वर्ड है आज का, इसमें भी हमारा रूट वर्ड है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? यस यू हैव टू बिलीव, करना भी चाहिए, यू बिलीव। देखें जी, ईसीआर है यहाँ पर, थोड़ा सा डीप जाके देखें, अपेंड, ठीक है, अपेंड, एक टमी, ठीक है, एक टम, ईसीआर है, ईसी का मतलब मैंने क्या बताया था, आउट, और अपेंड, अपेंड का क्या मतलब, यहाँ पे आ रहा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को जब आप रिमूव करते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सर्जरी, टोमी एक प्रोसेस आ गया जी, ठीक है, अपेंडेक्टोमी। ओ एम वाई मैंने बताया था कि ये नाउन के लास्ट में होता है, तो ये एक नाउन की तरह वर्क करें, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं, ठीक। अब देखिए, रिमूव थ्रू सर्जिकल सर्जरी, किस चीज को, अपेंडिक्स को, क्लियर। ये इसी का मतलब हुआ रिमूव, टमी अपेंडिक्स, ठीक है, अ सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव अपेंडिक्स। सेंटेंस में लेते हैं इसको, सेंटेंस मैंने क्या किया, एम वाई, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सर्जरी के थ्रू रिमूव कर रहे हैं अपेंडिक्स को, प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस का नाम है। अब अपेंडेक्टोमी इज द मोस्ट कॉमन इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म बाय सर्जन्स, राइट। मतलब ये एक ऐसा, मैंने आपको कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें आप नाउन लगाते हैं या प्रोनाउन लगाते हैं, या आप जेरंड लगाते हैं, या आप इन्फिनिटिव लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, ये नाउन है, तो आप एक और ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा के देखें, उसको एज अ सब्जेक्ट लगा के देखें, अगर तो वो सेंटेंस की सेंस बना रहा है, अगर वो आपको लग रहा है कि यहाँ लग सकता है, तो वो नाउन ही होगा। अगर वो नहीं आ रहा फिट, तो इसका मतलब वो नाउन नहीं है, ठीक है, ये भी एक ट्रिक होती है। अच्छा, अब आप देखिए, उसी से एक वर्ड निकला, टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। अब तो आपको नहीं बताना पड़ेगा ना किसमें हमारा आज का रूट वर्ड है, यहाँ है वो ईसी, ठीक है, यानी अब टॉन्सिल से आपको समझ आ गया कि टॉन्सिल, ई से मतलब रिमूव करना, आउट करना, टोमी मतलब वही ऑपरेशन यानी सर्जरी के थ्रू आप किसी चीज, टॉन्सिल्स को जब करते हैं, इट मींस इट इज अ टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक हो गया जी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी नाउन है, बिल्कुल उसी तरह उसका यूज है, सेंटेंस भी वही सेम बन सकता है अगर आपने। अच्छा, अब आप देखें स्टैटिक। अच्छा भाई, आपको एक बात बताती हूँ, मैं ना लेक्चर देने के बाद बहुत ज्यादा खुश होंगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी अब 2 दिन के आगे छुट्टी है, सैटरडे संडे की छुट्टी कंप्लीटली तो नहीं है, बिकॉज मैंने आपका टेस्ट भी चेक करना है, असाइनमेंट भी चेक करना है, पर मुझे लेक्चर नहीं देना पड़ेगा, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी स्टेट क्या है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आउट ऑफ ऑर्डर हो रही हूँ मैं, सही है। अब देखें, ईसी, ईसी का मतलब क्या बताया था मैंने, आउट, स्टैटिक का मतलब स्टेट को शो कर रहा है कि कोई बंदा बहुत ज्यादा, उसकी ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरी ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी स्टेट होगी कि मैं नॉर्मल बंदे से ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, मेरी नॉर्मल बंदे से ऊपर की फीलिंग होगी, ठीक है। अब देखें, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम अ नॉर्मल इमोशनल स्टेट, राइट, मतलब नॉर्मल इमोशनल स्टेट से जब आप आउट खड़े होते हैं ना, स्टैंड कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब है ई स्टैटिक। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक्साइटेड हो, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, कि नॉर्मल हमारी इमोशन से ओवर होना, कुछ भी, एक्साइटेड होना, वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होंगी, ठीक है, मैं बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी होंगी लेक्चर डिलीवर करने के बाद, ठीक हो गया। अब देखिए, इसको हम सेंटेंस में किसे यूज कर सकते हैं, ई स्टैटिक। आईसी क्या बताया था मैंने, कि एडजेक्टिव के लास्ट में आता है। अब देखें, ये एडजेक्टिव को शो करेगा, किस तरह, ऑल माई स्टूडेंट्स वर ई स्टैटिक आफ्टर क्लियरिंग सीएसएस एग्जाम्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या थे, ई स्टैटिक, यानी स्टैटिक स्टूडेंट्स, ठीक है जी, आप स्टैटिक स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, कि जो बहुत ज्यादा खुश स्टूडेंट्स थे, ये कह सकते हैं आप, यानी कि स्टूडेंट्स की एक क्या बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है, उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, इट मींस कि ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमने आज जो पढ़ा है कि हम एडजेक्टिव को उठा के नाउन में, तो हमने बताया था कि नाउन को एंड में वाई भी आता, कहा था मैंने आपसे, कहा था ना, तो अब स्टैटिक को आप चाहते कि मैं ना इसको एज अ नाउन यूज करूं, कि भाई इस ऐसी मतलब खुशी वाली फीलिंग ये होती है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि आप वाई लगा दें, ठीक है, स्टेसी, स्टैटिक से क्या बनेगा, स्टेसी, वाई आ गया, ये नाउन घुस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए,
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपंच। एक्सपंच, अब पता क्या हुआ कि ना मेरी ना एक फैमिली रिलेटिव है जो मुझे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे मुझे सभी अच्छे लगते हैं, पर मुझे कोई एक रिलेटिव है मेरी, वो ना बड़ी शौकिया मारती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैं जब उनके साथ होती हूँ ना, मेरा दिल करती है कि इनको मैंने उठा के बाइक फेंक दूँ। ठीक है, तो मुझे ना बिल्कुल अनप्लेजेंट सी फीलिंग आ रही होती है उनके साथ। अब देखे वर्ड, देखे एक्स मीन आउट, पंच पंच मतलब पंजा मार के ना बंदा उनको बाहर निकाल दे। एक्स पंच, एक्स मीन रिमूव, पंच मतलब मुझे वो पसंद नहीं है। रिमूव और ऑब्लिटरेट समथिंग दैट इज अनवांटेड और अनप्लेजेंट, कोई ऐसी चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है जो कि अनप्लेजेंट भी है आपके लिए, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको रिमूव कर दें। एक्स पंच, ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो आपके लिए अनप्लेजेंट है आप उसको या अच्छा इसमें आप क्या है कि एक्स पंच पंजा मारा और बाहर निकाल दिया। एक्स पंच अनप्लेजेंट चीज थी, उसी को हम पंजा मारेंगे ना, चलो भाई निकलो। ठीक है, अब सेंटेंस में देखते हैं, मतलब एक्स पंच आप कोई काम कर रहे हैं, एक्स पंच कर रहे हैं किसी को, इट मीन्स यू आर डूइंग अ जॉब, इट इज आवर, यू कैन से इट इज आवर। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। हिज नेम हैज बीन एक्सपंच फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गेस्ट। यार मैंने अब सेंटेंस वही बनाया कि हमारे घर में जब कोई फंक्शन होता है ना, तो मैं कहती हूँ कि यार उनको निकालो यहाँ से लिस्ट में, गेस्ट नहीं बन के आने चाहिए, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती वो औरत। हिज नेम हैज बीन एक्सपंच फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गेस्ट, उनका एक्सपंच कर दिया गया। ठीक है, ये उनका सेंटेंस बन गया। बच्चे यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन? मैं आप इस आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन? बच्चे मुझे बता दें कि कोई मसला है क्लास में जो हमने वो पढ़ी, रिपीट रिपीट सॉरी क्या रिपीट करना? अच्छा देखिए हम लोगों ने आज क्या देखा, मैं आपको एक दफा दोबारा असाइनमेंट बता देती हूँ, फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर करके ना दिन में 10 बार पूछते हैं असाइनमेंट का। अच्छा थैंक यू अनस बच्चे। अच्छा जी, हमने देखा वर्ड किसका फॉर्मेशन होती है, फिर मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स इसलिए बताया था क्योंकि हमने आगे इनको यूज करना था। ठीक है, ये आपको एवं याद रटे लगवाने का मतलब नहीं था, बस मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाह रही थी सफिक्स और प्रीफिक्स, क्योंकि आगे हम इनको वर्ड फॉर्मेशन में यूज करना था। फिर मैंने आपको कहा कि नाउन को किससे आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मैंने आपको ट्रिक बताई कि एक तो जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं वो उर्दू में खुद से सवाल करें, और फिर आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताई कि आप नाउन में और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ से बताई उर्दू की। अच्छा फिर मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप सफिक्स, कुछ सफिक्स ऐसे हैं कि ऐसे सफिक्स हैं कि जो क्या करते हैं कि बताते हैं कि ये नाउन है। ठीक है, फिर आपने उनको मेमोराइज कर लें या तो कोई गाना बना लें। अब आप कहें तो गाना भी मैं आपको बना के दे दूं, लेकिन बच्चे गाना गाते हो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, आप खुद या तो कोई गाना बना लें इसका म्यूजिक से, या आप ऐसे ही आपको याद रह जाता है तो वेलेंट पूरी। ठीक है, मैंने आपको नाउन की बताई सफिक्स, फिर आपको बताया एडजेक्टिव के सफिक्स बताए। बच्चे आप करें तो ज्यादा बेटर है, मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चों का दिमाग चलता है। एडजेक्टिव के सफिक्स, ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि कोई भी आपने पहचाना होगा ये एडजेक्टिव तो उसके लास्ट में ये आएगा। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी कि आपने एक वर्ड है उसको किसे नाउन बनाना है एडजेक्टिव। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है कि आपने 10 वर्ड्स लेने हैं, ठीक है, उसको आपने नाउन में रखना है, उसको आपने एडजेक्टिव बनानी है। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी, आपने अब इस तरह से इसको करना है। बच्चे मैं बहुत पहले से ये लेक्चर लिखती हूँ, पहले था बस मैं वो क्या बताऊँ, पहले लिखना पड़ता है कि किस तरह, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। अगर मैं साथ साथ लिखूंगी तो ज्यादा मसला होगा। किस चीज का पैटर्न बताना है आपको? लेक्चर लिंक विल बी सेंड बॉक्स जस्ट गिव मिनट। पैटर्न ऑफ पेपर, बच्चे हम अभी तो ग्रामर पढ़ रहे हैं ना। यस अफसर, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप इनसे कांटेक्ट करें तो ये आपको, अगर आप रजिस्टर होना चाहती हैं तो रजिस्टर भी हो सकती हैं। अभी हम लोगों ने नाउन पढ़ा है और वर्ब पढ़ा है। नाउन के पे अभी हमारा, मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन रहता है मेरा मेरे माइंड में, मैंने एक हफ्ता लगाया नाउन के ऊपर ताकि आपकी ना जो ग्रिप है ना वो अच्छी हो जाए ग्रामर के ऊपर। देखिए शुरू में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को एब्सॉर्ब करने में, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलिए। जब आप कर लेंगे, एक बार आपकी एक बन जाएगी ना
स्पीड बन जाएगी, तो आप टाइम भी नहीं लगेगा चीजों को समझते हुए, और आप ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि मैं कहूंगी मेरे बच्चे मुझसे आगे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। और आपने क्या करना है असाइनमेंट में, आपको तो मैंने एक वो बताया कि आपने नाउन को वर्ब 10 ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। एक और जो कि रूट वर्ड आज किया ना, जो जो आपको मैंने वर्ड्स बताए, सेंट्रिक बताया, जो भी आपको वर्ड बताया, आपने उसका क्या करना है कि आपने इनके हर वर्ड का एक सेंटेंस बनाना है। मैं आपको डेली यही असाइनमेंट दे रही हूँ। अब आप बच्चों की जो मेरे पास रजिस्टर है उनके कल तक मुझे 4 असाइनमेंट्स आ जाने चाहिए। बच्चे मैं आपको मैसेज नहीं करूंगी ग्रुप में, जिसकी ना आई मैं आपको लेक्चर में नहीं आई और आपके ऊपर फाइन होगा, यू हैव टू पे, ठीक है, जिसकी असाइनमेंट नहीं आई। अब इतना टाइम हो गया, पूरा वीक का टाइम होता है, अब आपने सिर्फ 4 असाइनमेंट्स बनानी है ना, 4, क्योंकि हमारे 4 लेक्चर्स हुए हैं, तो आपने 4 असाइनमेंट्स बनानी है और मुझे सेंड करनी है, और आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ओके जी बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को क्लियर है। अब हम मैं मीटिंग एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, कोई सवाल हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह आई विल बी देयर। अल्लाह हाफिज़।